योगी मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चा के बाद एक बार फिर से तेज हो गई है चर्चा। और इस बीच आज यानी 28 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों से उनका रिपोर्ट कार्ड तलब कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे कैबिनेट मंत्रियों की एक अहम बैठक लेंगे, तो वहीं शाम 5 बजे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्रियों की भी एक बैठक लेंगे। इस दौरान मंत्री अपने अपने विभाग का प्रेजेंटेशन देंगे और इसमें अब तक किए गए काम और अगले 3 महीने की कार्य योजना का ब्यौरा भी सभी मंत्रियों को देना है। दरअसल आज से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी बुलाया गया है। इस दौरान विकास कार्यों को गति देने के लिए अनुपूरक बजट भी जारी किया जाएगा। इस बैठक में शीतकालीन सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनुपूरक बजट को मंजूरी दी जाएगी। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रियों को विधानसभा सत्र के दौरान पूरी हिदायत के साथ आने की नसीहत देंगे। इसके अलावा सरकार की योजनाओं को प्रभावी तौर पर अमल में लाने के लिए उन पर चर्चा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आज भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में शीतकालीन सत्र की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी के विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के साथ साथ अपना दल निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक इसमें शामिल होंगे। इसी बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डेप्यूटी सीएम बृजेश पाठक भी शामिल होंगे। और वहीं कैबिनेट विस्तार की बात करें तो सूत्रों का कहना है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और सपा छोड़कर बीजेपी में आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान समेत 2 अन्य नेताओं को योगी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। भाजपा विधानमंडल दल की बैठक सुबह 9 बजे लोकभवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी और इस बैठक में विधानमंडल के दोनों सदनों में विपक्ष के आरोपों का जवाब देने और सरकार की उपलब्धियों को रखने की रणनीति तय होगी। आपको बता दें कि बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में भाजपा के सहयोगी सुभाषपा, अपना दल और निषाद पार्टी के विधायक भी शामिल होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।